ये तो ये बेल्ट की सेटिंग अपने को ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह ये अपने को मिलता है, किस तरह ध्यान देना है। ये पट्टी है ना, अभी इसका वीडियो बनाने का कारण और उद्देश्य दोनों चीज़ समझना। ये पट्टी अभी इसको टच नहीं हो रही है, तो ये पट्टी लाइट ऐसा टच होगी तो रजिस्ट्रेशन अपना परफेक्ट मिलेगा। ये देखो, ये जैसा लाइट इतनी ज़्यादा टच हुए, ये देखो लाइट टच होनी चाहिए, बस इतनी सी है, हिलनी चाहिए, ये बात ध्यान देना चाहिए। और ये यहाँ पे इसके नीचे पेपर नहीं जा रहे, इसीलिए ये बेल्ट का सेटिंग है, इसके लिए ये बेल्ट का सेटिंग, इसीलिए उधर लेने का, तो पेपर इसके पट्टी के नीचे नहीं जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है और इस बात पे ध्यान देना रहता है। ठीक है, इसी तरह पीछे से लेके आगे तक सेटिंग इस तरह अपने को देखने का है कि मेरा परफेक्ट पेपर चल रहा है नहीं चल रहा है। पीछे से अगर पेपर क्रॉस जाएगा तो आगे भी आपके क्रॉस पेपर आएंगे और प्रिंटिंग का मज़ा भी नहीं आएगा। ये पेपर का सेटिंग इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको हर चीज़ का नॉलेज रहे कि ये चीज़ें, ये चीज़ें ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। ओके, और आपको फुल मशीन इसी तरह सर्विसिंग करके मिलेगी। और पेपर नहीं उठा रहा है समझ लो, बाय द वे पेपर नहीं उठा रहा है, पेपर नहीं उठा रहा समझ लो, इस तरह पेपर नहीं उठा रहा है तो आपको क्या करना है। अभी पेपर नहीं उठा रहा है तो नहीं उठा रहा है, ये ब्रैकेट है इसके पीछे, इस ब्रैकेट का अवश्य ध्यान दें। ये ब्रैकेट हल्का सा खोलोगे तो ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये हल्का सा ऊपर आया तो कहने का मतलब ये पेपर अपना चल गया, तो बोलेगा ये ट्रे ऊपर आएगी, क्या है कि ट्रे ऊपर आएगी, ये ट्रे इधर रहेगा तो ट्रे चलेगी और इधर रहेगा ये पोजीशन इधर रहेगी तो ट्रे नहीं चलेगी। तो इसका ध्यान देने का ट्रे लॉक कर देने का, ट्रे लॉक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, देखना ऑटोमेटिक ऊपर आता रहेगा, जैसे भी ये पेपर चल रहा है ऑटोमेटिक ऊपर घूमेगा, वो ऑटो ट्रे चल रही है, ये घूम गई, ये बात का ध्यान देने का। ये बेल्ट सेटिंग ऑपरेटिंग में अपने को क्या क्या समस्या आती है, छोटी छोटी चीज़ें अपने को समस्या प्रॉब्लम देती है, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप ध्यान देना। ओके सर, भाई हर चीज़ का ध्यान देना, कोई समस्या आता है तो आपको लाइफ लाइन आपके पास अवेलेबल है, और भी कोई चीज़ की इशू